बिग बॉस 14 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस सीजन की विजेता रुबीना दिलाई को घोषित कर दिया गया है। वेल 5 महीने से चल रहे शो बिग बॉस 14 में रुबीना दिलाई की जर्नी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। बिग बॉस 14 हाउस में रुबीना दिलाई ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ एंट्री की थी। हालांकि फिनाले में पहुँचने से पहले वो घर से बेघर हो गए। पति के बेघर होने के बाद भी रुबीना दिलाइक स्ट्रॉन्ग खड़ी नजर आई हैं। वेल दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस 14 में रुबीना दिलाइक शुरू से ही सुर्खियों में छाई हुई थी और यही वजह है कि लोग उन्हें विजेता के रूप में देखना चाहते भी थे। 142 दिनों तक बिग बॉस हाउस में रहने वाली रुबीना दिलाइक ने एक नहीं बल्कि अनेक दिलों को जीता है। ऐसे में फैंस उन्हें जिताने के लिए लगातार दुआएं भी कर रहे हैं। बात करें टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की तो इन सभी में रुबीना दिलाइक एक अकेली ऐसी कंटेस्टेंट थी जो पहले दिन से लगातार शो में बनी हुई थी। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा था कि शो की विजेता उन्हें ही बनना चाहिए। खैर सारी बाधाएं और मुश्किलों को सामना करने के बाद रुबीना दिलाइक शो की विजेता आखिरकार बन ही गई हैं। रुबीना दिलाइक के बिग बॉस 14 को जीतने के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई है कि बिग बॉस के विनर का खिताब उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो कलर्स का फेस थी। इसे लेकर एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी ने बकायदा रुबीना दिलाइक को डिफेंड भी किया और वोट्स को लेकर कुछ बात साफ भी की है। रुबीना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा से यहाँ तक पहुँचना चाहती थी। ये मेरे लिए एक सपने से जैसा है और जीत की फीलिंग अभी भी सच नहीं लग रही है। वेल दोस्तों कहते हैं ना, सब किस्मत का खेल है, शायद ये मेरी किस्मत में था। ये यात्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है और जब मैंने खुद को पहचाना तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। बिग बॉस 14 की विजेता बनने के बाद रुबीना दिलाइक को प्राइज मनी के तौर पर अब सिर्फ 36 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल बिग बॉस 14 की प्राइज मनी 50 लाख रुपए थी, लेकिन टिकट फिनाले के बाद बिग बॉस ने घर वालों को खुद को सेव करने के लिए एक चांस दिया था जिसके जरिए वो सीधा फिनाले वीक में पहुंच सकते थे। इसके साथ ही बिग बॉस ने ये भी शर्त रखी थी कि ये पैसा विजेता की प्राइज मनी से काट लिया जाएगा और इस टास्क में राखी सावंत विजेता रही थी। ऐसे में 50 लाख में से 14 लाख रुपए घटाने के बाद 36 लाख रुपए दिलाइक को प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे। वही बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा कि जब किसी विनर को प्राइज मनी घटा कर दी जाएगी। बिग बॉस 14 में एक दूसरे से नफरत करने वाले राहुल वैद्य और रुबीना दिलाई की दुश्मनी भी इसी शो में इसके साथ खत्म हो गई है। वेल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल वैद्य और रुबीना दिलाई इस सीजन में सबसे ज्यादा पसंद किए गए कंटेस्टेंट हैं। वोट स्ट्रेंथ के हिसाब से भी दोनों बाकी कंटेस्टेंट की तुलना में काफी ज्यादा आगे रहे हैं। राहुल वैद्य सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले कंटेस्टेंट थे जिन्हें लेकर लोगों ने 3 दिनों में 10 मिलियन ट्वीट्स कर दिए थे। हालांकि इसके बाद रुबीना के फैंस ने न सिर्फ उन्हें टेक ओवर कर दिया था बल्कि बिग बॉस के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली कंटेस्टेंट भी बना दिया था। फिनाले में रुबीना दिलाइक ने राहुल वैद्य के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी थी। दोनों ने अल्लाह दुहाई पर जमकर डांस भी किया। इसी दौरान दोनों कंटेस्टेंट का टशन लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया है। हालांकि फिनाले में राखी सावंत, निकी तंबोली और अली गोनी ने भी जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी थी। वही ग्रैंड फिनाले में पहुंचने से पहले ही राखी सावंत 14 लाख रुपए लेकर घर से बेघर हो गई है। के बाद ही अली गोनी भी घर से बेघर हो गए थे। ऐसे में टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में रुबीना दिलाइक, राहुल वैद्य और निकी तंबोली ही पहुंचे थे। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, रुबीना दिलाइक की विजेता बनने को लेकर आप क्या कहेंगे? रुबीना दिलाइक आप सभी की कितनी फेवरेट थी कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।